सावधानी में सुरक्षा, कोरोना से देश की रक्षा। आज भारत ही नहीं पूरा विश्व कोविड 19 के चलते थम सा गया है। रफ्तार से दौड़ती जिंदगी में भारत ही नहीं पूरे विश्व में जैसे ग्रहण लग गया हो, जहां देखो वहां सन्नाटा पसरा है। जिंदगी की दौड़ती पटरी में सूनी सड़कें, धार्मिक स्थल सूने बाजार, खाली पड़े स्कूल और ऑफिस। इसी बीच आस लगाए ताकते एक दूसरे के चेहरे। ऐसा लगता है जब तक इस कोविड 19 की कोई वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक हमें ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा। इस महामारी को रोकने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं। आज के परिवेश में आपकी छोटी सी गलती आग में घी डालने का काम करेगी। तो आइए देखते हैं इस प्रस्तुति में सावधानी में सुरक्षा, कोविड वायरस से देश की रक्षा। भैया रुको, रुक रुक। अरे रुको यार भैया, कुछ मालूम है तुमको? अरे कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कितनी बड़ी गलती की है तुमने? अरे हमने किया ही क्या है भैया जो तुम हमें ऐसे रोक रहे हो? गलती? अरे तुमने कितनी बड़ी गलती की है कुछ पता है? आज हमारा भारत देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, और तुमने जो मास्क फेंक के आया है ना, अभी जो मास्क फेंक के आया है तुमने, मालूम कितनी बड़ी गलती की है तुमने? कुछ समझते हो इसके बारे में? कपड़ा को टुकड़ा तो थो जो फेंक तो दो। तुम्हारी एक गलती का खामियाजा पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ सकता है। और मालूम है सबसे पहले वो बच्चा पॉजिटिव अगर आ गया, वो बच्चा पहले चपेट में आएगा, और उसके बाद मालूम क्या होगा? उसके बाद उसके घर वाले चपेट में आएंगे, उसके बाद घर वाले चपेट में आने के बाद मोहल्ले वाले पूरे चपेट में आ जाएंगे उस बीमारी के। मोहल्ले वाले के साथ पूरा गांव वाले के साथ पूरा शहर, जिला, देश, आने पूरा प्रदेश और पूरा देश इस महामारी की चपेट में आ जाएगा। मेरे भाई एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक छोटी सी गलती मालूम इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कुछ समझते हो कि नहीं समझते हो यार तुम लोग? हाँ भाई साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई साहब। हजारों लोग इस महामारी से मर रहे हैं भाई साहब, हमें माफ कर दो भाई साहब, माफ कर दो हमें, माफ कर दो भाई साहब। अरे मैं कौन होता हूँ यार तुम लोगों को माफ करने वाला, लेकिन ऐसी गलती दोबारा बिल्कुल मत करना। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ अभी उन बच्चों के पास से मास्क लेके आता हूँ, तुम लोग अभी कोई भी जाना नहीं। हाँ समझे कि नहीं समझे? हाँ। अरे अच्छा वो भैया पीछे छोटो, चले अपन चलते घर, चलते चलते। ला बेटा ये मार्क्स दो वाला।
हाँ बेटा तुम्हारा भी बताओ। सरकार द्वारा सीधी सीधी गाइडलाइन दी गई है, उसके तहत में मालूम क्या है, 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चे हो या कोई डायबिटीज का मरीज यानी शुगर का मरीज हो, ब्लड प्रेशर का मरीज हो या हार्ट अटैक का मरीज हो या 50 वर्ष से अधिक उम्र के भी बुजुर्ग हो, इन लोगों से सरकार द्वारा स्पष्ट इस कोरोना जैसी महामारी में एक गाइडलाइन दी गई है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बाहर सार्वजनिक स्थलों में ना जाए और कोशिश ये करें कि हमेशा एकांत में रहें। तो तुम लोगों को कुछ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया है समझ में। और सबसे पहले एक काम करना भैया, आप लोग को पहले ये बच्चे लोगों ने जो अभी जो इससे खेल रहे थे ना ये मास्क से, तो इन लोगों को पहले सबसे पहले नहलाओ धुलाओ और अपने स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र में लेके जाओ और वहाँ पे उनकी जांच करवा देना। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? और अभी मैंने जो बताया जो समझ गए हो ना? हाँ हाँ जी, हमको सब समझ में आ गया। अरे वहाँ चले गए यार ये मजदूर, चलो पता करते हैं। अरे बेटा मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। भाई मैं आ गया भाई। अच्छा हुआ ओ भैया। अरे रुको भाई, ओ भैया रुको, ए भैया रुक रुक, कहो भैया। अरे क्या हो गया? अरे जानते हो कितनी बड़ी गलती कर रहे हो भाई साहब आप। अभी एक परेशानी गई नहीं और दूसरी परेशानी सामने आ गई यार भैया, तुमको पता हम कैसे कैसे परेशानी से घर पहुंचे यार भैया। देख भाई मैं तेरी परेशानी समझ रहा हूँ कितनी दूर से आ रहा है, लेकिन ना केवल तू अपनी जान, गांव वाले की, मोहल्ले वालों की, सबकी जान खतरे में डाल रहा है, जानते तू? सबकी जान खतरे में? अरे मेरे बच्चे ने ऐसे क्या कर दिया जो सबकी जान खतरे में? अरे दादा इस कोरोना काल में एक छोटी सी गलती भी पूरे गांव के लिए जान का खतरा बन सकती है, जानते हो? जान को खतरा? देखा तू मैं मेरे लड़का कौन ले जात है, एक तो इतनी दूर से चल के आ हुआ वो और गहरा के अंदर मैं पानी पी लिया, देख रहे हो कि पैर में कितने छाले हुए हैं। ए अम्मा कौन ले जा रहा है तुम्हारे लड़के को? अच्छा ये बताओ तुम्हारा लड़का इतनी दूर से आया, तुमने गांव में सरपंच, सचिव या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सूचना दी है इसके आने की? नहीं। अरे हम कैसे कैसे गाँव पहुँचे पता है कि नहीं तुमको? और ऐसी कागज का जरूरत है हमको तो सूचना दें, हम पूरी जानकारी दें पूरे गाँव भर में। अरे मेरे भाई सूचना देना इसलिए जरूरी है ताकि आपका स्वास्थ्य परीक्षण हो सके। अरे भगवान न करे आपके अंदर कोरोना का कोई लक्षण पाया गया तो ना केवल आप अपने परिवार के, मोहल्ले के, बल्कि पूरे गांव की जान खतरे में डाल दोगे, जानते हो? कह साहब इतनी खतरनाक बीमारी है जे? तुम्हें बता दो भैया हम क्या कर लें। अरे दादा करना कुछ नहीं है, आप केवल इसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाओ, स्वास्थ्य परीक्षण के बाद इसके अंदर अगर कोविड 19 के कोई भी लक्षण पाए जाते हैं तो जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने जारी की है इसका इलाज जिला चिकित्सालय में निशुल्क होगा और क्वारंटाइन सेंटर में ये 14 दिन के लिए जाएगा, तो इससे आपकी जान भी सुरक्षित रहेगी, आपके परिवार की भी जान सुरक्षित रहेगी, इसके साथ हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे, है कि नहीं माता? अरे दादा अब तक तो मेरा लड़का इतनी दूर रहा और 14 दिन के लिए और दूर रहा वो। अरे दादा आपको आपकी जान प्यारी है कि नहीं है? क्यों नहीं है साहब, मेरे और मेरे बच्चों की जान क्यों नहीं है प्यारी? ठीक है बाबू मैं जाऊंगा 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाऊंगा मैं और अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाऊंगा। अरे यही तो समझा रहा है चल दद्दा, तुम्हारा लड़का बहुत समझदार है। ठीक है चल बेटा जित्तू अपन केंद्र चलते हैं, बढ़िया तेरा स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हैं, चल बेटा जित्तू चल आगे। क्यों रे मैंने तुमको वहीं पे समझाया था ना और तुम लोग फिर गांव के अंदर आ गए,
समझाया था कि नहीं समझाया था यार? समझाया था ना कुछ? अरे साजिद भाई, साजिद भाई, अरे मैंने समझा दिया हूँ इन लोगों को, और ये राजी है स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के लिए, वहीं सेंटर लेके जा रहा हूँ, तो आप भी चलो साथ में। तो साजिद भैया, ये तो राजी हो गए हैं, लेकिन आप सबसे पहले इनको लेके कहाँ जाएं, आप ही बताओ आगे। भैया सबसे पहले जो है ना, इनको कोटवार को पहले अपन सूचना देंगे, और उसके बाद जो है अपने सरपंच, सचिव या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनको अपने सूचना देने के बाद, इनके संज्ञान में लेने के बाद अपने को क्या करना है कि प्रशासन ने जो अपने को जो गाइडलाइन दी है उसके तहत में इनको अपन जिला चिकित्सालय ले जाके इनका स्वास्थ्य परीक्षण करवा के इनको 14 दिनों के लिए अपन क्वारंटाइन करते हैं। ठीक है भैया, ये राजी भी चलो रे, थोड़ा डिस्टेंस बना के चलो। अरे डबल डबल पूरा कहने ले एक और छोड़। अरे दो यार, तेरे भाई के नहीं आ रहे यार। अबे मानना, अरे गई यार, अरे गई, तूने क्या खा गया है? अरे बच गया, बच गया। अरे अरे लो, ये मेरे पीछे लग रहा है यार। सेव नहीं, चल भाई, ये पांच है ना, तीन। अरे मुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं। और कोई है उम्मीदवार सामने? तारे करते रहो यार, भी यार मेरा यार। भैया एक तो मेरे से ले लेना ना टेंशन, अरे बाबा लाओ ये। अरे क्या बात है यार, आइएगा। अरे क्या हुआ भैया? अरे तुम लोगों को शर्म आना चाहिए, इतने पढ़े लिखे युवा होने के बावजूद भी तुम इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। अरे क्या हो गया, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी? अरे हमें मालूम है, हमें से कोई बीमार थोड़ी ना, और आप बोल रहे हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। हम लोग दोस्त हैं और हम सबको ये मालूम है, और हम सब दोस्त हैं, एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। हमें कुछ नहीं होने वाला। जान छिड़कना तो अच्छी बात है, मगर कोरोना से जान बचाना भी तो जरूरी है। एक तो आपने मास्क भी नहीं लगाया है। भैया आप बात तो सही कह रहे हो, मैं क्या करना चाहिए? आप लोग तो पढ़े लिखे हो, शासन द्वारा जो गाइडलाइन दी गई उसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, सार्वजनिक स्थान पे नहीं जाना है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, और काम जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलना है, अन्यथा अपने घर पर ही रहना है। मास्क लगा जब भी बाहर निकले तो अपन चेहरा बांध कर निकले, समझे कि नहीं समझे? कुछ समझे? नहीं सर, आपने समझाया और हम लोग सब समझ गए। तो ठीक है भैया, मास्क पहनो, अपने अपने घर की ओर निकलो, ठीक है? जी भैया। ठीक है तो भैया, ओके भैया, समझ आ गया, मास्क लगाओ और अपने अपने घर की ओर निकलो, ठीक है? धन्यवाद भैया। बड़े भैया, अरे बड़े भैया, अरे क्यों छोटे, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो इतने जोर से? अरे बड़े भैया एक बाल्टी पानी और साबुन लाकर देना। अरे छोटे आज तुझे क्या हो गया, पानी और साबुन बाहर ही मंग रहा है? ऐसा है बड़े भैया, बाहर से अगर कोई घर पे आएगा तो सबसे पहले जूते चप्पल बाहर उतारना पड़ेगा बड़े भैया, और हाथ पैर धुलकर घर पे प्रवेश दिया जाएगा बड़े भैया, यह नियम बना लो बड़े भैया। अरे छोटे तुमने बात तो 100% की बिल्कुल सही कही है भाई, आज से ये नियम हम सबको बनाना पड़ेगा, और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हमें सभी को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना पड़ेगा छोटे। हाँ बड़े भैया, ये लो छोटे, ये पानी, ये साबुन। Thank you.
मास्क पहने और सार्वजनिक स्थलों से दूर रहे। कोरोना जैसी महामारी से सजग रहें और सतर्क रहें। सैनिटाइजर का हमेशा प्रयोग करें और प्रयोग करने के बाद हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि सैनिटाइजर ज्वलनशील है, आग से दूर रहे। ये देश वीर जवानों का, अलबेलो का, मस्तानों का, गाइस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। याद रखिए, इस कोरोना काल में कोरोना से मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप हमेशा अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। कोरोना से रक्षा देश की सुरक्षा। छोटे बच्चे और बुजुर्ग घर से ज्यादा बाहर ना निकले। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ध्यान रखिए, आपकी एक छोटी सी गलती ना केवल आपका परिवार, पूरा गांव, बल्कि इस देश के लिए खतरा बन सकती है। कोरोना से रक्षा ही इस देश की सुरक्षा हो सकता है। अपने हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जबरदस्ती ना जाएं और कोशिश करें कि मास्क हमेशा पहने। कोरोना से रक्षा देश की सुरक्षा।